करने वाले हैं सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी, केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज इनसफिशिएंट। इसमें टोटल चार सब क्लॉज है, तो पहला सब क्लॉज पढ़ते हैं, इफ़ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड, सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द अक्यूज्ड अंडर कस्टडी टू अ मजिस्ट्रेट इन पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट एंड ट्राइड द अक्यूज्ड और कमिट हिम फ्रॉम ट्रायल और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड द अक्यूज्ड इज एबल टू टेक सिक्योरिटी shall take security from him from the appearance before such magistrate on the day fixed for his attendance for day to day before such magistrate until otherwise directed। अगर पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कि आपके इस खिलाफ एविडेंस है तो आपको फॉरवर्ड करेगा इन कस्टडी टू द मजिस्ट्रेट। कौन सा मजिस्ट्रेट? इम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, एरिया मजिस्ट्रेट होना चाहिए। चार्जशीट फाइल होता है 173 में, लेकिन उसका प्रोडक्शन होता है 170 में। मैं अक्यूज्ड हूँ, मेरे खिलाफ चार्जशीट लगाया जा रहा है, तो चार्जशीट के लिए प्रोविजन है 173 में। आप मुझे प्रोड्यूस कर रहे हो 170 में, 173 में चार्जशीट फाइल होगा, 170 में अक्यूज का प्रोडक्शन होगा। दीज टू आर टू बी रेड टुगेदर। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आप अक्यूज को बेल पे भी छोड़ सकते हो। आप बेल पर छूट गए मान लो, चार्जशीट बाद में लगाया जा रहा है, तो चार्जशीट के समय आपको अपीयर होना पड़ेगा एज पर द बेल बॉन्ड। आपको समन इशू किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा ताकि आप आ सकें कोर्ट, एंड देन यू हैव टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। Second clause, when the officer in charge of the police station forwards an accused person to a magistrate or takes security of his appearance before such magistrate under this section, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant and shall require the complainant and so many of the person who appears to such officer acquainted with the fact and circumstances of the cases as he may think necessary to execute a bond appear before the magistrate as thereby directed and prosecute to give evidence as the case may be in the matter of charge against the accused। Accused ko produce karoge 170 ke andar, jab accused ko giraftar kiya gaya tha koi chaku ya pistol kuch bhi baramad hua tha wo sab magistrate ke samne pesh hoga। जब आप अरेस्ट करते हो तो आप उसका अरेस्ट एक अरेस्ट मेमो बनाते हो, तो सीजर मेमो भी बनता है, जो जो चीज़ आपने उसे लिया है सीज किया है उसका चीज़ उसका भी मेमो बनता है। जो जो सीजर में लिखा गया है वो सब आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट, उसके जितने विटनेसेस हैं उनसे भी आप बॉन्ड साइन कराओगे कि ये सब लोग एविडेंस प्रोड्यूस करें कोर्ट में आके, जब ट्रायल होगा तभी ये अपीयर होंगे। अगर बॉन्ड ना भी पुलिस साइन करवाए तो भी विटनेसेस को अपीयर होना है। नाउ थर्ड क्लॉज, इफ द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज मेंशन्ड इन द बॉन्ड सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच सच मजिस्ट्रेट मे रेफर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रेफरेंस इज गिवन टू सच कंप्लेनेंट और पर्सन। कहा जा रहा है कि हो सकता है सीजेएम खुद ना केस को डील करे, वो किसी और मजिस्ट्रेट को कह दे कॉग्निजेंस लेने, तो आपको पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होना पड़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीजेएम होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे मजिस्ट्रेट्स होते हैं। बॉन्ड साइन करवाया तो उस बॉन्ड में सीजेएम का नाम था, लेकिन सीजेएम वो किसी को भी दे सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट को वो केस डील करने दे सकता है। सीजेएम के नाम पे बॉन्ड साइन हुआ है तो यू आर बाउंड टू अपीयर एनी अदर मजिस्ट्रेट ऑल्सो टू हुम द सीजेएम हैज ट्रांसफर्ड द केस। सब क्लॉज 4, द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड शैल डिलीवर अ कॉपी देयर ऑफ टू द one of the person who executed it and shall send it to the magistrate the original with his report। officer jiske presence mein bond sign hua hai wo deliver karega us insaan ko jisne sign kiya hai aur fir uska real copy magistrate ko bhej dega with report।